द्रौपदी देवी के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया निरस्त। चितरपुर प्रखंड की प्रमुख द्रौपदी देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सारी साजिश नाकाम हो गई और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। ज्ञात है कि चितरपुर प्रखंड की प्रमुख द्रौपदी देवी के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आपको बता दें कि विगत 17 अगस्त को चितरपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान आयोजित किया गया था, जिसे निर्वाचन आयुक्त ने निरस्त कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खास उत्साह देखा जा रहा है और लोग इस खुशी में ग्रामीण आदिवासी कर रहे हैं और प्रमुख को माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। चितरपुर से विजय चंद्र की रिपोर्ट। धीरे धीरे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आज ग्रामीणों में खुशी की लहर है और मैं जहाँ थी वहाँ वापस आ गई। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी, जो विश्वास प्रस्ताव जो रखा गया था उसमें जो भी गलत फहमियां थी वो सब हम लोग की दूर हो चुकी है। अब आगे मिलजुल के चलना और आगे काम को करना है। और प्रमुख के पुनर्वापसी के पश्चात आज ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत पूरे क्षेत्र के विकास को बाधा पहुंचाने का काम किया गया था, आज वह दूर हो गया है और हमारे चितरपुर प्रखंड की प्रमुख महोदया पुनः अपना आज फिर आज से कार्यालय में बैठना प्रारंभ की है और हमें उम्मीद है कि वो जनता के विश्वास में खरे उतरेगी। क्या करेंगे अभी जो है, फिर से जो चितरपुर प्रमुख है वो फिर से उनकी वापसी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव कुछ लोगों के द्वारा किया गया था वो खारिज कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो अगस्त महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और फिर से तभी बात चल रही थी कि प्रमुख का चुनाव होगा, जिसे आप बोल सकते हैं एक तरह से सांसद प्रतिनिधि के द्वारा धोखे से प्रमुख का ये जो पद है इसे छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो निर्वाचन आयोग ने उसे साफ किया और फिर से जो हमारी प्रमुख मैडम थी वो दोबारा ब्लॉक में आई है और इससे आसपास के लोगों में, चितरपुर प्रखंड के लोगों में खुशी है और इनके कार्यकर्ता हो गए, पंचायत समिति के सभी सदस्य हो गए, फटाखा फोड़ के मिठाई बांट के इनका स्वागत किए हैं और फिर से चितरपुर प्रखंड को विकास के रास्ता में लाने का काम किया जाएगा।